राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर लगातार पहलवान प्रदर्शनरत हैं। इस बीच पिछले 10 दिनों से प्रदर्शन कर रहे पहलवानों को कई राजनीतिक दलों का समर्थन मिल चुका है। इसी कड़ी में आज यानी मंगलवार सुबह उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र रावत भी पहलवानों को समर्थन देने पहुंचे। खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा। राजधानी दिल्ली में स्थित जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। खिलाड़ियों के प्रदर्शन को पूरे 10 दिन हो चुके और खिलाड़ी अपनी मांगों पर अडिग हैं कि जब तक महिला खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिल जाता तब तक वो प्रदर्शन करते ही रहेंगे। बता दें कि इसी बीच मंगलवार सुबह समर्थन देने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी देवेंद्र यादव भी पहलवानों के बीच पहुंचे और सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए पहलवानों का मनोबल बढ़ाया। यादव ने कहा कि देश का माहौल आज अच्छा नहीं है। जिस तरह से देश की महिलाओं के साथ बर्ताव किया जा रहा है ये गलत है। आज देश में किसान, नौजवान, पहलवान सब परेशान हैं। लेकिन हमारा समर्थन एक एक महिला के साथ है जिसकी अस्मिता पर आवाज उठाई जाएगी। उनके साथ हैं हम। ऐसा इसलिए है, जब किसान प्रदर्शन कर रहे थे तब भी बिजली पानी की सुविधा में बाधा डाली जा रही थी और आज वही हाल देश के पहलवानों के साथ हो रहा है। लेकिन आज देश की महिला खिलाड़ी सड़कों पर हैं और उन्हें इंसाफ दिया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि इनका सम्मान इन्हें वापस मिलेगा। देश का गौरव बढ़ाने वाली हमारी वो महिलाएं आज सड़कों पर बैठी हैं पिछले 10 दिन से। मैं समझता हूं कि जिसमें भी जमीर है वो आज यहाँ पर इनके समर्थन में है और उसी क्रम में हम भी यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारा पूरा समर्थन इन पहलवानों के साथ ही नहीं, एक एक महिला जिसके अस्मत के ऊपर कोई भी उंगली उठाने की कोशिश करता है उसके साथ है और हम ये लड़ाई जो यहाँ पर आज लड़ी जा रही है इसको अंजाम तक ले जाने की कोशिश करेंगे। देवेंद्र यादव ने आगे कहा कि खेल मंत्री अनुराग ने पहले जब इनका समर्थन किया उस वक्त ही आज से 3 महीने पहले पहलवान उठकर चले गए, लेकिन इतने वक्त के बाद भी जब उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ तभी वो वापस आए हैं। ऐसे में हमारा भी दायित्व बनता है कि हम पहलवानों का समर्थन करें, ये सबका फर्ज है। जब तक WFI के अध्यक्ष इस्तीफा नहीं दे देते क्या लगता है कोई खिलाड़ी आवाज उठा पाएगा? क्योंकि वो दहशत में है, क्योंकि जो भी खिलाड़ी समर्थन के लिए यहाँ आते हैं उन्हें नोटिस दे दिया जा रहा है। आपने देखा होगा कि ये इस मौजूदा सरकार की एक नीति है। चाहे जब हमारे किसान भाई थे उनकी बिजली काट दी गई, उनकी पानी व्यवस्था काट दी गई, उनके टॉयलेट ब्लॉक्स हटा दिए गए, आज वही हथकंडा यहाँ पर भी अपनाया जा रहा है। लेकिन जब लड़ाई सच्चाई की होती है, जब लड़ाई एक महिला की है और जिस तरीके का माहौल, जिस तरीके का समर्थन ना सिर्फ दिल्ली से, हरियाणा से, UP से, राजस्थान, मध्य प्रदेश और सब जगह से जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है इन महिलाओं को, विशेष रूप से हमारे देश के गौरव को वो सम्मान वापस मिलेगा और इनकी लड़ाई मजबूती के साथ हम सब लड़ेंगे। आपको बता दें देवेंद्र यादव ने कहा जिस तरह से आरोप लग रहे हैं कि ये एक जाति का प्रदर्शन है ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पहलवानों को समर्थन देने के लिए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान हर जगह से लोग आ रहे हैं। सरकार बस कहानी बना रही है और 50 बहाने न्याय नहीं देने के उद्देश्य